शिविका दीदी, ओम शांति शिविका दीदी जी। थैंक यू सो मच हम सुजाता दीदी को भी और नीना दीदी को भी जिन्होंने हमें बहुत सारे योगा के एक्सरसाइजेस कराए और एक्टिव कैसे रहना है ये भी बताया। एंड वैसे तो आप योगा फॉर आइज एक्टिव है, सभी को हेलो हेलो। आप सभी को पता है आपका नेक्स्ट सेशन कौन सा है? बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और आप सभी चैंपियंस ऑफ चेंज है, यानी कि जो भी चेंज लेके आने हैं वो आपको लेके आने हैं और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ सीखेंगे। सभी के पास पेन और पेपर है? आप लोगों के पास एक हाथ हिलाइए अगर है तो, पेन एंड पेपर, गुड, वेरी नाइस। सो लेट्स सी आपसे आज मिलने कौन कौन आया है, आपको किसी से मिलवाते हैं। हाँ, ये देखिए ये क्या है, वॉटर, और वॉटर में रहती है ये वेली द वेल। मैं हूँ वेली द वेल ला ला ला, मैं हूँ वेली द वेल ला ला ला। कितना साफ है ये पानी, जो नहीं फेंकते हैं प्लास्टिक वो दोस्त है मेरे ला ला ला। मैं हूँ वेली द वेल ला ला ला। सभी को वेली द वेल का हेलो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे एनवायरनमेंट के लिए, पानी के लिए क्या क्या करते हैं मुझे आज पता चलने वाला है सब कुछ। तो सबसे पहले क्या आप लोग मुझे ये बताने में मदद करेंगे कि वेली द वेल जो कि पानी में रहती है, जहाँ पे 70% अर्थ का जो पार्ट है यानी कि पानी वहां रहती है, और पानी में रहते हैं सबसे ज्यादा जीव, तो क्या पानी में रहने वाली जीव और मैं यानी कि वेली द वेल, आप बच्चों से पूछना चाहते हो कि मेरी क्वालिटीज क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या खासियत है? क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं कि मेरी क्वालिटीज क्या क्या है, मेरी वैल्यूज क्या क्या है? स्क्रीन पे इतने सारे जो बच्चे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि एक वेल में क्या क्या क्वालिटीज होती है? क्वालिटीज अंदर कोई भी एक वैल्यू क्या होती है, अनुष्का पूछ रही है ना क्या वैल्यूज हैं? मतलब स्विम करना तो आता है, तो काम होती है कि फ्रेंडली होती है, और क्या होती है वेल या फिश? वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल, वेल इज द लार्जेस्ट फिश। वाओ, थैंक यू सो मच सुमरन। और कौन बताएंगे क्या क्या क्वालिटीज है बेल की, फिश की? दीदी दीदी फिश ना सब, बेल ना सबको खा जाती है। ओह, ये अच्छी बात है। ये और कोई क्वालिटी है आपको पता है क्या? दीदी बेल ना सरफेस पे आकर ब्रीथ करती है। वाओ, So, और इनर क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं वेल की? क्या वो फ्रेंडली होती है? वेल बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ होती है, ओके। एंड अच्छा, कोई भी फिश जो आपको कभी आपने देखी हो, उसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं? दीदी तो एक फिश लाइक अभी सपोज एक स्ट्रॉन्ग करंट है वाटर में, तो कोई भी फिश लाइक उस करंट, अभी वो उसे फिश को वो करंट पुश कर रहा है, पर वो फिश उस करंट की लाइक ऑपोजिट साइड जाती है और उसकी बेस्ट ट्राई करती है कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहती है वहां पर जाए। क्या बात है, मतलब डिटर्मिनेशन बहुत होता है ना फिश। यस, वाओ, तो आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी क्वालिटीज बताई। अब मैं सोच रही हूँ, मैं तो वाटर के अंदर हूँ, क्यों ना मैं आपके एक फ्रेंड को बुलाऊं जो कि लैंड पे रहता है। अब मैं तो नहीं जा सकती लैंड पे, लेकिन मेरा फ्रेंड सिम्बा जा सकता है, तो भाई सिम्बा जल्दी से आ जाओ, कहाँ हो? हेलो 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 माय फ्रेंड्स,
मैं हूँ सिम्बा। हा। कोई हेलो ही नहीं बोल रहा यार मुझे, हेलो तो बोलो। हेलो सिम्बा। हेलो वेली, हेलो हेलो वेली, कैसी हो हेलो, तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरे फ्रेंड्स जो है ना, ये लोग भी बहुत एक्साइटेड है तुम्हें मिलके। बस हेलो बोलने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। अरे मुझसे क्यों शर्माते हो भाई? शर्मा रहे हैं आप मुझसे मिलके? ओहो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई, एक बार तुम सभी लोग एक बड़ा वेव दिखा दो मेरे लिए। मैं हूं जंगल का राजा। वेव कर दो भाई, वेव 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 वेव। हालांकि वेव्स में तो वेल रहती है, बट मेरे लिए भी आप वेल कर ही सकते हो। हाँ, यहाँ पे सब लोग वेव कर रहे हैं और हेलो कर रहे हैं और स्माइलीज बना के भेज रहे हैं। वाह। अच्छा भाई देखो, अब मैं तो आ गया हूं यहां पर। अब मैं आपसे पहचान कौन का क्वेश्चन खेलूंगा। अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बताएंगे तुम लोग? बताएंगे बताएंगे। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट में मिलता हूं। क्या आपको पता है मैं पूरे इंडिया में कौन से स्टेट में मिलता हूं? जिसको पता है बताओ भाई, बताओ। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। पृथ्वी, अनुष्का, अर्नव, बोलो बोलो, कोई एक आध व्यक्ति तो बोले। अनम्यूट करके बता सकते हैं। दीदी, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में मिलता है। ओहो, मेरा घर, मेरा घर किसे पता है भाई? मैं हूं सिम्बा। सिम्बा का घर बताइए। इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टाइगर फॉरेस्ट गुजरात में मिलता है, तो मुझे लगता है कि वहीं से। ओहो मानसवी, ये तो आपने गुजरात का नाम तो ले लिया बट मुझे टाइगर बना दिया। मैं हूं सिम्बा, सिम्बा द लायन। ओह, लाइन कहाँ मिलते हैं बताइए। बांग्लादेश। थोड़ा बहुत तो मानसी पहुंची तो है रास्ते में। बांग्लादेश। वैसे करे बांग्लादेश। बांग्लादेश। वैसे मुझे कहा जाता है एशियाटिक लायन, ये है मेरा पूरा नाम, एशियाटिक लायन। यानी एक जमाने में मैं पूरे एशिया में मिला करता था। चलो खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा कोई मेरी क्वालिटीज बताओ, मेरे क्वालिटीज बताओ भाई। मैं हूं सिम्बा जंगल का राजा, मैं हूं सिम्बा जंगल का राजा। फियरलेस। क्या बात है, मैं हूं हिम्मत वाला, मैं हूं हिम्मत वाला। और टाइगर बॉम बताओ ब्रेव भी होता है, मतलब वही लायन। फियरलेस। बिल्कुल, मैं बहुत ब्रेव हूं, बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं फियरलेस हूं। हाँ, मेरी दहाड़ से लोग डरते टाइगर हैं। बहुत डेंजरस भी होता है। अरे भाई मैं तो लायन हूं, टाइगर को क्यों बुला रहे हो? लायन बहुत डेंजरस भी होता हाँ, मैं डेंजरस क्यों होता हूं? खैर कुछ क्वालिटीज बताओ, और बताओ और बताओ। कार्निवोरस एनिमल। हाँ मेरे क्वालिटीज तो बताओ, और ये तो तो बता और, दिया कि मैं बहुत आपका ब्रेव होता हूं। आपका लाइट ब्राउन कलर आपको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ। जब लोगों ने बोला कि मैं बहुत डेंजरस होता हूँ, क्या मैं हर किसी पे अटैक करता हूँ क्या? नहीं, बहुत होते हैं जो उसको बहुत साइलेंट कर देते हैं और उसको प्रे हंट करने में बहुत हेल्प करते अच्छा तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। अगर समझो मेरा पेट भरा हुआ है तो क्या मैं हंटिंग करूंगा? हैं। नो मैं किसी जानवर को मारता हूं क्या जब मेरा पेट भरा होता है तो? ओए होए, कहाँ गए? चुप रहो। नहीं मुझे ना। लगता है मारते तो नहीं है आप ऐसे। देखिए वैसे तो अब मैं एक और लाइट हमारे तो रात में अच्छा दिखता है, रात में उन्हें देखो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। कितने शाबाश, आप लोग तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। अच्छा वेली, अब तुम बताओ कि अब ये इतना अच्छे से मेरे को जानते हैं तो क्या करूं मैं इनका?
खा जाऊं इन्हें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये पता है आपको चैंपियंस ऑफ चेंज है, चैंपियंस ऑफ चेंज, ये सभी तो हमारे फॉरेस्ट हमारे वाटर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, तो अच्छा दोस्ती करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल, इनसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी, अगर ये हमारे दोस्त बनेंगे तो मेरी जान बचेगी, वरना तो बहुत मुश्किल है। कहने को तो मैं हूँ जंगल का राजा, मगर फिर भी मेरी जान खतरे में है, खतरे में, खतरे में, खतरे में। मैं तो नीचे चला जाऊंगा, बच जाऊं मैं अपने आप को, नहीं मैं फिर वापस आ जाता हूँ, चल कोई बात नहीं। अच्छा भाई अब आप बताएं, मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है ये बताइए। कौन बताएगा यहाँ पे, गौरवी है, सुरुचि है, बताओ बताओ। हंटर्स, हंटर्स, शिकारी, शिकारी, ये शिकारी कौन होते हैं? टाइगर, टाइगर मेरा शिकार करता है। शिकारी जो जानवरों का शिकार करते हैं। हाँ बट ये शिकारी कौन से जानवर होते हैं? इंसान, इंसान। ओहो आप सब लोग भी तो इंसान हो, तो मुझे डरना चाहिए आप लोगों से? ओ मैं चला जाता हूँ यार, ये सब इतने इंसान है यहाँ पर, बच्चे। अच्छा बच्चे हैं, तो आप लोग मेरा शिकार नहीं करेंगे ना? नहीं। ओके प्रॉमिस। लायन गुजरात में मिलते हैं। हाँ अगस्त्य प्रॉमिस करेंगे आप मेरे को कि आप मेरा हंटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओके ओके अस्तित्व आप प्रॉमिस करेंगे कि आप हंट नहीं करेंगे मेरे को? हाँ। ओके सृष्टि आप प्रॉमिस करेंगे कि आप हंट नहीं करेंगे मुझे? ओके अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। एक टाइम पे ना मैं पूरे पूरे एशिया में मिलता था। आपको मालूम है एशिया कहाँ है? कहाँ है एशिया? एशिया कहाँ है, कौन बता सकता है एशिया कहाँ है? बहुत सारे लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छी है इन लोगों की। अच्छा भाई तो एक जमाने में हाँ मैं पूरे एशिया में मिलता था। और इंडिया में कितने स्टेट्स हैं बताएगा कोई? कितने स्टेट हैं इंडिया में? 24. एक जमाने में मैं पूरे इंडिया में मिलता था, सारे स्टेट्स में मेरा घर था। अब मेरा घर सिर्फ गुजरात में रह गया है, वो भी गुजरात में भी गीर नेशनल फॉरेस्ट मेरा घर है। मेरे घर का नाम क्या है बोल के तो बताओ? गीर, गीर है मेरा घर। गीर, 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 खीर नहीं, वो खीर नहीं जो तुम खाते हो, खीर खाते हो वो नहीं, ये है गीर। अच्छा भाई तो अब बताओ, अब मैं पहले पूरे इंडिया में मिलता था, अब मेरा घर सिर्फ इंडिया में एक स्टेट में रह गया है, वो भी सिर्फ एक नेशनल फॉरेस्ट में। ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा मुझे? पोचर्स ने आपकी स्किन के लिए आपका हंट करा। हाँ और क्या किया सर? उन्होंने आपको मतलब हंट करके उससे काफी मेडिसिन एंड काफी वो बनवाया बनाया। फिर और बताओ, और कौन बताएगा? उनको केज में बंद किया जाता है जू में दिखाने के लिए। आपको कैद कर दिया। मेरे को कैद कर दिया। फिर और मैं बताऊं क्या किया मेरे साथ? मैं बताऊं? बताओ बताओ सिम्बा। उन्होंने मेरा घर ही तोड़ दिया। आपको पता है मेरा घर क्या होता है? लायन किस चीज का राजा होता है भाई ये तो बताओ? जंगल का, जंगल का राजा, जंगल का राजा। अब अगर आप मेरा घर ही उजाड़ दोगे, जंगल ही काट दोगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आऊं क्या आपके शहर में? आऊं क्या? आऊं मैं आपके शहर, आपके घर आऊं? आप रख लोगे मुझे? हाँ रख लेंगे। भाई आप तो बहुत अच्छे हो, बट मेरे को तो जंगल ही चाहिए होता है।
आपके जैसा घर में मैं नहीं रह सकता, मुझे घूमने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है, तो आप मुझे हेल्प करोगे? हेल्प करोगे? जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो थम्स अप दिखाओ भाई, थोड़ा देखे तो सही कितने लोग थम्स अप देते हैं। सिर्फ 25 थम्स अप मिले हैं, बाकी लोग हेल्प नहीं करेंगे इस शेर का। ओहो जंगल का राजा। थम्स अप तो बढ़ते ही जा रहे हैं, 60-70 देखो बढ़ते जा रहे हैं सिम्बा, सभी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने लोग हैं सभी लोगों को थम्स अप करना चाहिए। वाओ ये हुई ना बात। चलो अब इतने सारे लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं रियली, तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे हेल्प किया जाता है। ठीक है सिम्बा, हमारे एक और फ्रेंड भी है, उसको भी तो बुला। हाँ बुलाए बुलाए, कहाँ है, कौन है ये? हमारी एक और फ्रेंड है और वो भी आपसे मिलना चाहता है। भाई आ जाओ बनी, कहाँ हो तुम? कहाँ है? यहाँ। ओहो मेरे को तो नहीं दिख रहा है। सिम्बा हाय, कैसे हो तुम? ओहो खाना आ गया, खाना मैं खा लूं से, कहाँ है? आज खाना मना है। ओहो भाई उपवास है। आज उपवास है? ओहो आज तो हम अपने दोस्तों से मिलने आए हैं। ओहो अरे दोस्तों, क्या आपने पहचाना ये कौन है? कौन हूँ मैं? खरगोश। खरगोश बनी। हाँ बनी तो है, बनी। कैसे हैं आप सब? हम ठीक है। अच्छा तो ये बताओ कि मैं क्या क्या खाता हूँ? गाजर गाजर गाजर। हाय हाय अंकिता, देखो मेरे एक और फ्रेंड गाजर खाता हूँ और ग्रास। अच्छा और मेरे क्या 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 गुण है बताओ तो? लंबा कूद सकता है। लंबा कूदता है। लंबा बड़े बड़े दांत हैं। बड़े बड़े कान भागता है। आप फास्ट भागते हो। बड़े बड़े कान है जिससे जल्दी सुन सकते हैं। बड़े बड़े कान है जिससे जल्दी सुन सकते हो। अच्छा तो मैं सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ कि देर तक सोता हूँ? सुबह जल्दी उठ जाते हो। जल्दी। और मैं सारे होमवर्क जल्दी जल्दी कर लेता हूँ कि नहीं? कर लेता जल्दी जल्दी होमवर्क। और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? आप बहुत फुदकते रहते हो। आप बहुत सुंदर हो। ओह सीमा क्या बहुत क्यूट है ना? क्यूट है बनी। क्यूट है। बहुत क्यूट हो एंड सॉफ्ट भी हो। ओह सॉफ्ट भी है, वेरी नाइस। इसलिए तो मुझे खाना पसंद है बनी। आ जाओ मैं खा लूं। नहीं आज है, चलो फास्टिंग। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। अच्छा बनी, बनी के बारे में ये बताओ भाई, ये तो वही है ना, इन्होंने किन के साथ रेस में अपना मुंह काला किया था? हार गए थे रेस में। किससे हार गया था बनी? बनी हार गया था। क्या बताऊं मैं हार गया था कछुए से। कछुए से टॉर्टाइस से। बताओ दोस्तों, वो तो मैं थोड़ा सो गया था। दोपहर में सोना पसंद है। अब हमारे फ्रेंड्स भी अगर पढ़ाई के टाइम पे सोते रहेंगे तो क्या होंगे? जीतेंगे कि हारेंगे? हारेंगे। जीतेंगे कि हारेंगे? हारेंगे। हारेंगे कि जीतेंगे? बनी होल में रहता है और वो एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी नेक को बिना मोड़े 360 डिग्री मतलब देख सकता है पीछे अपने। देखता हूँ मैं घुमा सकता हूँ क्या, मैं घुमा सकता हूँ क्या? अरे भाई अकड़ गया मैं तो अकड़ गया। नहीं हो सकता है। आप लोग घुमा सकते हो क्या फ्रेंड्स? थोड़ा घुमा के दिखाओ भाई। नहीं देख सकते। थोड़ा घुमाओ पता तो चले। योगा सना कर रहे हैं हम सब लोग, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। ओहो घुमाओ भाई घुमाओ घुमाओ अर्नव घुमाओ भाई गर्दन घुमाओ तुम्हारी। ओए होए हो रहा है 360। ओए होए हो रहा है हो रहा है हो रहा है भाई मेरा भी हो रहा है। अर्नव को देख के मुझे और भी हो रहा है। बनी तुम्हारा तो हो ही रहा है,
तुम तो 360 डिग्री घुमा लेती हो, वेली तुम तो घुमाओ। मैं तो अंडर वाटर योगा करती हूँ, अंडर वाटर में। ओ, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। अच्छा भाई, अब हो गया, अब हम करते हैं बहुत ही सुंदर सी एक्टिविटी हमारे सभी दोस्तों से। आप मिलिए, अब हमने बोला कि भाई अब हमारी वेली के पास समुद्र में बहुत सारे प्लास्टिक आते हैं, जंगल में मैं और बनी जहां रहते हैं हमारा घर उजड़ गया क्योंकि लोगों ने पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, अब हम जाएं तो कहां जाएं। तो आप सब लोगों ने बोला कि आप हमारी हेल्प करना चाहते हो, करना चाहते हो ना। जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें भाई, बता तो सही कितने लोग हेल्प करना चाहते हैं हमारी, हैंड रेज करो फटाफट, देखें तो सही कितने लोग हेल्प करना चाहते हैं हमारी। ओहो, देखें देखें देखें, 75, 80, वाह 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 वाह, देख रही हो बनी, सिर्फ 86 लोग, बाकी लोग नहीं हैंड रेज कर रहे। भाई सभी लोग बताओ कौन मदद करेगा, अगर तुम सब लोग मदद करोगे तो ही हम बच पाएंगे। हाँ, मतलब हमारे घर गंदा होता रहेगा। हमारा घर गंदा हो जाएगा, हमारा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। ओहो ओहो, 97 पे अटक गई यार, 100 तो कर दो पूरा, हैंड रेज तो कर दो, मदद करो। प्लास्टिक खा लिया था। ओह बनी, तुमने भी प्लास्टिक खा लिया, ये हो गया 100, तालियां बजाओ, तालियां 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 तालियां, 100 लोगों ने हेल्प करना मान लिया, 100 लोगों ने हेल्प करना मान लिया। चलो अब हम करते हैं बहुत ही सुंदर एक्टिविटी दोस्तों। अब आप सबके पास है पेपर एंड पेन, हमारी वेली कराएगी एक्टिविटी। वेली शुरू करें एक्टिविटी। बिल्कुल। अच्छा, अब आप सबको क्या करना है, उस पेपर पे अपने हाथ के इम्प्रिंट्स को ड्रॉ करना है, यानी करना बस इतना सा है कि पेपर पे हाथ रखिए और उस पंजे को पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, बहुत मजा आने वाला है। तो सभी लोगों जल्दी से 15 सेकंड्स में आप अपने हाथ को ड्रॉ कर सकते हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ की सभी लोग। यानी वेली बनाना है पंजा, पंजा बनाना है। शेर का पंजा तो सुना था, अभी इंसान भी पंजा बनाएगा, वाह 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 वाह। मैं काउंटिंग करता हूँ, 15 सेकंड्स आपने बोला है, तो सिम्बा 1, सिम्बा 2, सिम्बा 3, 3, 3, सिम्बा 4, सिम्बा 5, सिम्बा 6, सिम्बा 7, सिम्बा 8, सिम्बा 9, सिम्बा 9 के बाद क्या आता है आरुषि? 10, 11, 12, 13, 14, 15, सबने बना लिया, आपने पंजा बना लिया भाई सबने। मंगलम ने बनाया, दिव्या ने बनाया कि नहीं बनाया? दिखाओ भाई पंजा, दिखाओ अपना, सब लोग कैमरा में दिखाओ पंजा, कहाँ है आपका पंजा, शेर के साथ पंजा लड़ाओ, आओ आओ पंजा दिखाओ, कहाँ है पंजा? वेरी नाइस, पंजा दिखा दो सभी लोगों ने, वेरी नाइस। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी पहली एक्टिविटी। वॉली कहाँ है हमारी वेली? वेली गई वॉली। अब आपको करना वेली है, वेली है। आप लोगों को, सभी प्यारी प्यारी बच्चों को, चैंपियंस को करना ये है कि यहाँ पे देखिए वेली द वेल है, सिम्बा द लायन है और बनी द प्यारा प्यारा रैबिट भी है। अब आपको पहली जो आपकी वो लास्ट वाली छोटी वाली उंगली है ना, सबसे लास्ट वाली टाइनी फिंगर, उसमें आपको आपका फेवरेट एनिमल ड्रॉ करना है, कोई भी हो सकता है वो, जो भी आपको अच्छा लगे, वाटर में रहता है, लैंड पे रहता है, वो एनिमल आपको ड्रॉ करना है। और उसके लिए भी सिम्बा कितना टाइम मिलेगा? टाइम मिलेगा सिम्बा काउंट 10 तक। तो फटाफट सिम्बा जब तक काउंट कर रहा है बच्चों, आप लोग एक टाइनी वाली फिंगर पे फटाफट से अपना फेवरेट एनिमल बना दो। सिम्बा जुम्बा 1, सिम्बा जुम्बा 2, सिम्बा जुम्बा 3, सिम्बा जुम्बा 4। अनन्या कहाँ देख रही है, ड्राइंग करो। सिम्बा जुम्बा 5, सिम्बा जुम्बा 6, सिम्बा जुम्बा 7,
अर्नव कहाँ पहुंचे? सिम्बा जुम्बा 8, सिम्बा जुम्बा 9 एंड सिम्बा जुम्बा, सब लोग साथ में बोलेंगे 10. वेरी नाइस. जिन्होंने ड्राइंग बनाया अपना फेवरेट एनिमल दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, अपने लिटिल फिंगर पे ड्रॉ किया है अपने अपना फेवरेट एनिमल. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड. अर्णव दिखाओ भाई, आर्या ने भी बनाया है. वेरी नाइस. मुझे किसने बनाया है? बनी तुम को बनाएगा? बनी को बनाया किसी ने? ओ हो, बनाया बनाया. पृथ्वी बनी को किसी ने नहीं बनाया है. ओ टाइगर बनाया है आन्या ने. ओ हो वेरी नाइस. गुंजन वेरी नाइस. आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए क्या क्या बनाया है. देखे तो सही किस किस ने क्या क्या बनाया है. ओहो किसी ने कैट बनाया है. मानसा ने कैट बनाया है. ओहो मान्या ने बनाया है बनी. ये बनी है या कैट है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. ओहो रुचि ने बनाया है. सुधीर ने भी बनाया है. सुधीर ने बनाया बनी. सुधीर माथुर लिखा हुआ है. वेरी नाइस. बनी बनाया है उसने, कैट बनाया. ओ सौम्या ने बनाया सिम्बा. ओहो किसी ने मुझे भी बनाया है. कितना अच्छा लग रहा है मुझे. प्रत्युष ने बनाया है रैबिट. ओए होए देखो भाई. थैंक यू प्रतीक. प्रतीक थैंक यू बोला जा रहा है. रिद्धि ने भी बनाया है. रिद्धि ने भी कैट बनाया है. ओहो किसी ने माउस भी बनाया है. वाह 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 वाह. अच्छा अब वेरी क्विकली अब करें क्या? ड्रॉइंग तो कर दिया. अब करना ये है कि आपको अपने फेवरेट एनिमल की कोई भी 5 क्वालिटीज लिखनी है. कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है उस एनिमल में आपको इंस्पायर करती है, आपको अच्छी लगती है, या हम उससे सीख सकते हैं कुछ. जैसे मैं हूँ करेजियस है. जैसे और मैं हूँ एक्टिव. यस. और हमारी दोस्त वेली क्या है? मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ, सबसे दोस्ती कर लेती हूँ. मुझसे तो किया नहीं. कभी आओ हमारे जंगल में. वो मैं आती हूँ लेकिन पानी के अंदर ही मिलने आना पड़ेगा मुझसे. मैं तो स्विम सूट पहन के आ जाऊंगी. आ जाऊंगा. और पृथ्वी भी बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ. सभी लोग क्वालिटीज लिखते जा रहे. तो आप में से कोई बताएंगे कि आपने अपने फेवरेट एनिमल की क्या क्वालिटी लिखी? फटाफट बताओ भाई फटाफट. आर्य ने हाथ उठाया. बताइए बताइए. हाँ आपने को अनम्यूट कर दीजिए. अनम्यूट करके बता दीजिए. सिम्बा कहाँ गए? मैं पृथ्वी ने भी हैंड रेस किया है. मैं तो... आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट पे भी बताओ. हाँ बताइए. मेरा फेवरेट एनिमल चीता है. वो बहुत तेज भागता है, इसके लिए वो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा भाई अक्षत बताओ. अक्षत यस सर. माय फेवरेट एनिमल इज टर्टल एंड इट इज स्टेडी एंड काम. वाह क्या बात है टर्टल. देखो शुभा कहाँ गई? कहाँ गई हमारी बनी? बनी इधर हूँ इधर हूँ इधर हूँ इधर हूँ. ये वही वही एनिमल है जिसने तुमको हराया था. उसका मिलता जुलता. और किसने बनाया है? और भी हैंड रेज. लेकिन टर्टल बहुत ही प्यारा है. जल्दी बहुत साल जीते हैं वो. हाँ आप लोग भी बता दो. और बच्चों शायद आप लोग अनम्यूट नहीं किया है तो हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. पृथ्वी आर्य. अच्छा शिल्पी बताओ. शिल्पी ओम शांति. बोलो बोलो बोलो. हाँ मैंने बनी को बनाई है और उसको ना वो जब जंप करते हैं ना तो मुझे बहुत क्यूट लगता है. और फिर उस वो क्यूट भी होती है. ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा. आयुष्मान बताओ भाई. आयुष्मान जी मुझे एलिफेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. क्वालिटी क्या है? वो बहुत हेल्पफुल और शांत होते हैं. हेल्पफुल और शांत होते हैं. वो भी मेरी तरह ही ग्रीन ग्रीन खाता है. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. पावनी पावनी बताओ.
डॉग बनाया है और उसमें मैंने क्वालिटीज लिखी है. ही इज द फ्रेंडली एनिमल, गुड गार्ड, गुड फ्रेंड. ही लव्स हिज ओनर एंड वो हैप्पी बनाता है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू. अच्छा भाई सिम्बा, मुझे ऐसा लगता है क्वालिटीज तो सभी बच्चों ने लिखी है, तो हम एक्टिविटी को और आगे बढ़ाएं ताकि और भी ड्राइंग्स कर सके और हम देख सकें कि क्या बिल्कुल, कर बिल्कुल, हमारे चैंपियंस. चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अच्छा बताओ बनी क्या करना है आगे. मैं तो कहूंगा कि आप लोग अपना फेवरेट ट्रीज बनाओ. तो आपके जो टाइनी फिंगर है उसके बगल में जो फिंगर है आपकी, उसमें आपको कोई भी एक प्लांट, कोई भी एक ट्री बनाना है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद हो. फिर हम बताएंगे कि आगे आप लोगों को क्या क्या करना है ना सिम्बा. बिल्कुल सिम्बा, बिल्कुल. देखो जैसे मैंने कहा कि मेरा घर जंगल है, अब उस जंगल में पेड़ की वजह से जंगल होता है. अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं रहेंगे, और अगर जंगल नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं भी कहीं नहीं जा पाऊंगा. मेरा घर खत्म हो जाएगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा. आप नुनू ने बोला, मैं क्या खाऊंगा. देखो जंगल ही नहीं, पेड़ ही नहीं, तो हमारे दोस्त बनी को भी खाने के लिए न घास मिलेगी, न कैरेट मिलेगा, न फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा. बना दिया ट्री, ट्री के लिए भी टाइम है जिम्बा 10 तक. जिम्बा 1, जिम्बा 2, जिम्बा 3, जिम्बा 4, जिम्बा 5, जिम्बा 6, जिम्बा 7, जिम्बा 8, जिम्बा 9 एंड जिम्बा 10. अच्छा भाई जिन्होंने पेड़ बना दिया दिखाओ दिखाओ, देखे तो सही कितना सुंदर पेड़ बनाया आप लोगों ने. ओहो ओहो ओहो, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ बनाया है. ओए होए, वाओ वेरी ब्यूटीफुल. ओए कौन है ये, कौन है जिसने कोकोनट बनाया है. ओहो कोकोनट बनाया है, क्या बात है. सुरुचि ने भी बनाया है. ओहो हमारे एक और फ्रेंड ने भी बनाया है. ओहो क्या बात है, इतने सारे ट्रीज. ओए होए यहाँ पर भी एक फ्रेंड ने बनाया है. ओए होए क्या बनाया है. ओ वाह 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 वाह, मनश्री, वाह मनश्री, वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इतने सारे पेड़ बनाए हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अच्छा बनी ये तो बताओ भाई, ये पेड़ देते क्या हैं, हमको तो पता ही नहीं है. ये फल देते हैं, लीफ देते हैं, फूल देते हैं. पूछो कि क्या देते हैं ये पेड़. बताइए बताइए दोस्तों, क्या मिलता है हमें पेड़ों से. पेड़ हमें क्या देते हैं, मैं तो बताता हूँ भाई. पेड़ हमें जंगल देते हैं, क्योंकि मेरे को तो वो घर दे रहे थे. पेड़ की वजह से मेरा जंगल था और जंगल की वजह से मैं था. अब जंगल नहीं तो मैं नहीं. आपको पता है सिर्फ लास्ट 30 ईयर्स में मेरे बहुत सारे जंगल के फ्रेंड्स चले गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए. उनका कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं है अभी. वो सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स थे, अब वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो गए. अब वो धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे. क्यों पता है, क्योंकि जंगल नहीं है, पेड़ कम हो गए. तो अब हम सबको पेड़ लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने घर को बचा पाएंगे, हम जैसे जानवरों को बचा पाएंगे. तो बताओ, मेरे लिए तो पेड़ घर दे रहा था, आपको पेड़ क्या देता है, बताओ बताओ. दिव्या दिव्य क्या बोल रहा है, मेरे सभी दोस्तों ने हाथ खड़ा किया है. दोस्तों अनम्यूट करो और बोलो. पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है. ऑक्सीजन देता है, ये मैं सांस ले पाता हूँ. मैं कुत्ता रहता हूँ, सांस लेते लेते
अन्या ने बताया, और कौन कौन है, कौन बताएंगे? तनिष्क बताओ। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, फूड देता है और लीव्स देता है। वेरी नाइस। जय किशन तुम बताओ। पेड़ क्या देते हैं जय किशन? फल देते हैं। फल देते हैं, वाओ, फ्रूट्स देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी बात है। ये हमारे एक फ्रेंड और हैं, बताओ भाई बताओ, क्या देते हैं हमें? फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। स्टार बाय फ्रूट्स वी कैन गेट वुड फ्रू एंड शेल्टर वी कैन गेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इसमें जब कूद कूद के थक जाता हूँ तो मैं छाँव में चला जाता हूँ। अब छाँव को क्या देता है, कौन देता है छाँव? छाँव को इंग्लिश में क्या कहते हो? पृथ्वी कुछ कह रहा है। शेल्टर, शेल्टर, छाँव देता है, शेड देता है। अच्छा, गर्गी, गर्गी भी कुछ बोलना चाहती हैं? पेड़ क्या देते हैं हमें? ऋषिता, एक और फ्रेंड है, देखो ये कहाँ पर रहती है। एक और फ्रेंड, अरे कहाँ रह, कहाँ रहती है? इसकी तो सिर्फ पूंछ दिख रही है, कौन है ये? पूंछ दिख रही है। हाँ, अरे इसे पहचानो, कौन है ये, कहाँ रहती है ये तो बताओ। मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। ओहो, जसनैन बताओ, जसनैन। फूड, फूड, बट ये हमारी जो नई सखी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये कौन है? ये कौन है, ये कौन है, बताओ तो सही। बर्ड, ये बर्ड है, ये बर्ड रहती कहाँ है? ट्रीज, ट्रीज में रहते हैं। वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, आपने पहचान लिया। अब देखो हम देखते हैं कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। पहले फर्स्ट शेल्टर, शेल्टर, दूसरा बताओ, बताओ, फ्रूट्स, फ्रूट्स, फिर अंकुशा बताओ, किरणमयी बताओ, ऑक्सीजन। कहाँ गए तुम सिम्बा, मुझे दिख नहीं रहे हो। ओहो, मैं तो यही हूँ, मैं तो अपने दोस्तों को देख रहा था कि कहाँ गए, ये सब स्क्रीन के नीचे चले जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। And animals को रहने के लिए भी जगह देते हैं, like birds, they make their nest. Animals को रहने के लिए भी जगह देते हैं, but butterfly को trees क्या देते हैं? Butterfly से, honey bee को tree से क्यों प्यार होता है? Flowers. पृथ्वी बोल रहा है कुछ। पृथ्वी, बोलो बोलो, पृथ्वी अनम्यूट करो। चलो भाई, बहुत टाइम हो रहा है, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं फटाफट करवा देता हूं काम आपसे। ट्रीज देते हैं पहले, तो आपको शेड देते हैं, मेरे रेन जैसे जानवरों को वो शेल्टर देते हैं। दीदी मैं बताऊं? बोलो बोलो। मैं बताऊं? बोलो बोलो। रेन, रेन भी देते हैं। वाह, ये हुई ना बात, अब तो आपने सारी और चीजें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते, फूड देते हैं, देते हैं। अब जहां पर आपने ट्री ड्रॉ किया था वहां पर लिखो ट्री हमें क्या क्या देता है, लिख लिया आपने कम से कम? ट्रीज हमें, और ट्रीज हमें सॉइल, वो ट्री सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी हमने जिस चीज पर अपना हैंड बना रखा है पेपर, वो भी ट्री से मिलता है। बिल्कुल, फूड पल्प। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। अब आती है हमारी बारी, यानी अब हम करेंगे
पांच चीजें जो ट्री हमें देती है। पहली चीज जो ट्री हमें देती है वो है शेल्टर। शेल्टर मिलता है, फिर मिलता है खूब सारा फ्रूट्स देते हैं ट्रीज, ठीक है, फिर देते हैं फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स के लिए जरूरी होता है। हनी बी जो मेरे फ्रेंड हैं वो बस वहीं से फ्लावर्स से लेके आते हैं। फिर जैसे आपने कहा वो रेन देता है, ऑक्सीजन देता है, फिर देता है बर्ड्स को रहने के लिए जगह, फिर अगर इंसान भी थक जाता है तो उसको भी सोने के लिए शेड देता है। कितना सब कुछ देता है ना ट्री। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, आप सब लोगों को भी ट्री कुछ देता है खाने के लिए? कभी आपने ट्री से तोड़ के कोई चीज खाई है? क्या खाया है? मैंगो। मैंने बहुत खाया है, मैं हर दिन खाता हूँ। Very nice. ये बनी तो खाता ही रहता है, बहुत सारा खाता है, तो फ्रूट ही फ्रूट खाता रहता है। Yes. फ्रूट खाना अच्छा लगता है। तुम बहुत सारा फ्रूट खाते हो इसलिए तुम कूदते रहते हो, एक्टिव रहते हो। हाँ। अच्छा दोस्तों, अब आप सबको पता चल गया कि फ्रूट हमें इतना सब कुछ देता है। आज फ्रूट कम क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि हम फ्रूट खा नहीं रहे हैं। आपको पूछो आपको क्या चाहिए, तो मेरे यंग फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चाहिए पिज्जा, मुझे चाहिए पास्ता, मुझे चाहिए मैगी। अगर आप यही सब कुछ खाओगे तो फार्मर फ्रूट ट्री ग्रो करेगा? तो क्योंकि आप फ्रूट नहीं खाते हो तो आपके मम्मी पापा भी घर में फ्रूट नहीं खरीदते। अगर आप फ्रूट नहीं खरीदेंगे तो फार्मर बोलेगा चलो फ्रूट कोई खरीदता ही नहीं है, ट्री को काट ही देते हैं। तो क्या आपने ट्री को सेव किया? नहीं। अगर आप ट्री को सेव करना चाहते हो तो दो चीजें कर सकते हो। पहला, आप फ्रूट खाओ हर दिन। खा सकते हो फ्रूट हर दिन? खा सकते हो फ्रूट हर दिन? मैं भी खाता हूँ हर दिन। इसलिए तो तुम कूदता रहता है हमेशा यहां से वहां, एक्टिव बना रहता है। दूसरा, फ्रूट खाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ। अगर ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है तो घर में प्लांट्स लगाओ, मनी प्लांट लगाओ, भर दो अपने घर को प्लांट से। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, गर्मी में ठंडक मिलती रहेगी, शेड मिलता रहेगा, बहुत सारे बर्ड्स आएंगे तुम्हारे घर के बालकनी में, बहुत सारे बटरफ्लाईज आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने घरों में गार्डन लगाया होगा, है ना? अब उस गार्डन को डबल साइज बनाना है, ये सोच लो, और हर दिन फ्रूट खाना है। मम्मी पापा को बोलना है हमें फ्रूट चाहिए, हमें क्यूक्यूम्बर चाहिए, हमें टोमेटो चाहिए, हमें कैरेट चाहिए, जो पानी को पसंद है। बनी कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। ओ, क्या मैं दिख रहा हूँ? बिल्कुल दिख रहे हो, दिख रहे हो, सब लोग खा रहे हैं। अब थोड़ी देर में तुमको भी खा लूंगा मैं, अगर मुझे फ्रूट नहीं मिला। आज आज उपवास है। फ्रूट कोई बात नहीं, इसके उपवास के बाद खा लेना। इसलिए फ्रूट खाना है। तो देखो भाई, अगर आप ये सब लोग फ्रूट खाएंगे तो ट्रीज रहेंगे। तो आज से प्रॉमिस करेंगे कि हम हर दिन फ्रूट या वेजिटेबल खाएंगे? प्रॉमिस, मैं रोज खाऊंगी। अगर आप खाओगे तो आप मुझे बचाओगे, बचाओगे ना मेरे को? हाँ बचाओगे। ओके, वेरी नाइस। मुझे कौन बचाएगा? हाँ, वो फ्रूट खाएंगे तो आपको भी बचाएंगे बनी। ऐसा नहीं कि आप पैकेज फ्रूट जूस पियो। बहुत सारे लोग माजा पीते हैं, रियल फ्रूट जूस पीते हैं, जो पैकेट में आता है उसे पीते हैं। उससे पीने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो उल्टा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, डस्टबिन में तो डाल देते हो, फिर वो सारा कचरा नदी में चला जाता है, फिर नदी से ओशन में चला जाता है, और ओशन से हमारी फ्रेंड वेली के पास पहुंच जाता है। तो उसका घर भी गंदा हो रहा है। अच्छा भाई, ये हो गया दूसरी बात। अब आते हैं आपके मिडिल फिंगर पे। तो मिडिल फिंगर पे आप अब ड्रॉ करेंगे आपका फेवरेट फ्रूट। बताओ फटाफट ड्रॉ करो, और मैं देता हूं सिम्बा 10 तक का टाइम। सिम्बा 1 1 1, सिम्बा 2 2 2, सिम्बा 3 3 3, सिम्बा 4 4 4। अगर आपका वेजिटेबल भी कोई फेवरेट है तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो।
सिम्बा 5 5 5, सिम्बा 6 6 6, सिम्बा 7 7 7, सिम्बा 8 8 8, सिम्बा 9 9 9, और सिम्बा 10। दिखाओ फटाफट दिखाओ क्या है आपका फेवरेट वेजिटेबल, क्या है आपका फेवरेट फ्रूट। वाव वाव, किसी ने बनाया बनाना है, ओहो मैंगो, इतने सारे लोगों ने मैंगो बनाया है, वाह 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 वाह। किसी ने कीवी बनाया है, ओहो किसी ने मैंगो बनाया है, ओहो दीदी मैंने क्यूकम्बर मैंगो बनाया है, क्यूकम्बर बनाया है, मैंगो बनाया है, लेडीज फिंगर भी बनाया है, वाह वाह सुरुचि, वाह 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 वाह। पाइनएप्पल बनाया किसी ने, ओ किसी ने पाइनएप्पल बनाया, एप्पल बनाया है, एप्पल वाह। किसी ने गुआवा भी बनाया है, वेरी नाइस। कनिष्का ने बनाया बहुत सुंदर, वाह वाह। मैंगो बनाया है अधीरा ने, वेरी नाइस। लेडीज फिंगर और मैंगो। दीदी मुझे ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। दोस्तों आप सब लोगों ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया है। गाजर किसने बनाया? बनाया बहुत सारे लोगों ने बनाया है, वेरी अच्छा। चलो अब आते हैं आपके अगले फिंगर पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब हमें बचाना चाहते हो तो ग्रीन ट्रीज लगाओ, खूब सारा फल और सब्जी खाओ। जिस दिन आपने फ्रूट नहीं खाया तो आप समझो आपने एक शेर को मार दिया, एक बनी को मार दिया, ऐसा समझूं मैं? इतना गहरा संबंध है कि आपके फ्रूट खाने से पेड़ बचे रहेंगे। हर दिन फ्रूट खाना है, और फ्रूट के लिए भी ध्यान रखना है कि हमेशा सीजनल फ्रूट खाना है। सीजनल मतलब जो इस मौसम में मिलता है, यानी अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो खाना है, बनाना मिलता है तो बनाना खाना है, ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज खाना है, पोमोग्रेनेट मिलता है तो क्या खाना है, बोलो तो सही, पोमोग्रेनेट। अगर ग्रेप्स का सीजन है तो क्या खाएंगे? अगर ग्रेप्स का सीजन होगा तो खाएंगे ग्रेप्स का सीजन होगा तो खाएंगे सीधे ग्रेप्स। लेकिन अगर मुझे ग्रेप्स अच्छे नहीं लगते हैं तो क्या करूं सिम्बा? तो सब्जी खाओ, कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, बीन्स खाओ, भिंडी खाओ, खाओ हर दिन सब्जी खाओ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं मम्मी मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, बट ऐसा मत सोचो फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे मैं सब्जी नहीं खाऊंगा तो फार्मर क्या करेगा? वो सारे प्लांट्स उजाड़ देगा, बोलेगा कि कोई खा ही नहीं रहा है तो मैं क्यों ग्रो करूं। इसलिए हर दिन हेल्दी फूड खाना है, नेचुरल फूड खाना है, तब जाकर आप हम सबको बचा पाओगे। अब आते हैं आपके इंडेक्स फिंगर पर। इंडेक्स फिंगर पर वेरी क्विकली ड्रॉ करना है, क्या इंडेक्स फिंगर की बारी आती है अभी, मुझे रैबिट से बात करनी। इंडेक्स फिंगर पर चलो चलते हैं, इंडेक्स फिंगर पर ड्रॉ करना है। अब इंडेक्स फिंगर पर हम ड्रॉ करेंगे अपना फेवरेट फ्लावर। ड्रॉ करो फटाफट। सिम्बा 1, सिम्बा 2, सिम्बा 3, सिम्बा 4, सिम्बा 5 6 7 8 9 एंड 10। दिखाओ फ्लावर कहाँ है आपका, फ्लावर कहाँ है? किसी ने जल्दी बनाना है, हो गया टाइम पूरा, हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट है। वेरी नाइस। फ्लावर बना दिया है आपने। अब इस फ्लावर में क्या करना है, यानी हम इको फ्रेंडली बनेंगे, नेचर को हम मदद करेंगे। कैसे करेंगे? प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां तहां प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे कि हमको कपड़े चाहिए। क्योंकि आपको पता है एक जोड़ी नया कपड़ा अगर आप खरीदते हो तो 30,000 liters ऑफ वाटर खर्च होता है, और पानी को भी बचाना पड़ता है ना, बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्या है वो बताएंगे मेरे दूसरे फ्रेंड्स बनी और वेली। कहां गए लोग? ओहो बनी वेली कहां गए?
मैं तो यहाँ हूँ, मुझे लग रहा है बनी गाजर ढूंढने चला गया। बनी यही है, बनी यही है। अच्छा। पता है मेरे जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं तो मैं अपना छोटा भाई हनी को दे देता हूँ, और मैं पढ़ाई के लिए सिम्बा और वेली से किताब मांग लेता हूँ। तो मतलब जो चीजें हमें रीयूज करनी है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, है ना बनी? हाँ, और मैं जब गाजर लेने मार्केट जाता हूँ तो मेरे पास अपना थैली होता है, तुम्हारे पास होता है क्या? मैं तो बस स्विम करता हुआ चला जाता हूँ, बहुत बड़ा है ना तो हाथ में पकड़ के ले आता हूँ। तो जब तुम लिक्विड पीते हो, पानी पीते हो, तो कैसे पीते हो तुम? जूस पीते होंगे तुमको, स्ट्रॉ में पीते होंगे, कैसे पीते हो तुम वेली? और मैं बिल्कुल पैकेज्ड जो जूस है वो भी हेल्दी घर का, यानी कि पैकेज का कुछ नहीं इस्तेमाल करता। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने चार चीजें तो ड्रॉ की, आपने फेवरेट एनिमल ड्रॉ किया, पेड़ ड्रॉ किया, फ्रूट फ्लावर ड्रॉ किया, अब पांच यानी थंब पे आते हैं, यानी थंब रूल क्या हुआ कि इन सब ख्याल रखना है। तो आप लोग बताएंगे कुछ हेल्दी हैबिट्स जो आज के प्रोग्राम के बाद आप सभी, हम सभी करने वाले हैं, कोई भी एक एक हेल्दी हैबिट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट जल्दी से बता दीजिए। काव्या, कनिष्का, तनिष्क, वी विल यूज द रीयूज थिंग्स, वी विल रीयूज देम एंड रीयूज द पेपर एज वेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस सुरुचि। और कौन एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी कर देंगे? दीदी हमें, अनन्या, रिया, सफाई रखें, हम पेपर बैग यूज करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस कनिष्का, वेरी गुड। और कौन है चैंपियंस ऑफ? वी विल नॉट यूज प्लास्टिक, नॉट यूज प्लास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऋषिता, और क्या करेंगे? और जो ऑलरेडी घर में है कोई प्लास्टिक की चीज मान लीजिए तो उसको रीयूज कर सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं उसमें से, है ना? हाँ, वेली ने बनाया था और मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, आज का सेशन तो मुझे लगता है कि यहीं पे पूरा हो रहा है। तो क्या आप बनी हमारे साथ कोई एक वीडियो शेयर करना चाहेंगे लास्ट में? वेली, क्या वीडियो? मुझे लगता है कि हम कोई भी एक नई चीज देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट के लिए, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी एक नई नॉलेज मिल जाएगी जाते जाते। मैं एक वीडियो दिखाऊं जिसमें ना हम प्लास्टिक के बॉटल फेंकते हैं तो वो तुम्हारे पास कैसे पहुंचता है? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से दिखा दो। ओके, थैंक यू सो मच बनी। और
सभी चैंपियंस ऑफ चेंज का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है आज कि आप लोग सभी एनिमल्स के हैबिटेट को प्रिवेंट करेंगे और क्या बनेंगे, चैंपियंस ऑफ चेंज। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिविका दीदी से कि वो हमें नेक्स्ट सेशन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अली, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बनी, बाय बाय।